सब्सक्राइब कीजिए दुर्गापुर पेट्स ब्लॉग चैनल को और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। ओके हेलो गाइस, फिर से आ चुका हूँ एक नया वीडियो लेके। ये वीडियो का टॉपिक है कि आप जब पहले पहले डॉग पालते हो, मतलब एक पहला डॉग आप पाले, पहले कभी नहीं पाले वही पहला डॉग है, तो आप गलती क्या करते हो डॉग के पीछे जिसके कारण आपका डॉग मर जाता है। अगर आप डॉग खरीदे हो, अगर डॉग का डेथ हो गया तो अब तो मतलब ये तो साधारण सी बात है, आप दुकानदार को ही दोष दोगे। पर दुकानदार का दोष हो सकता है, आपका भी दोष हो सकता है, इसलिए मैं कुछ स्टेप्स बताऊंगा, कुछ मिस्टेक्स बताऊंगा आप लोग का जो होता है पहला पहला डॉग पालने के बाद। तो पहला जो पॉइंट है कि आपको डॉग पालने के बाद पहला 3 घंटा उसे खाना ही नहीं देना है, क्योंकि वो पहले जिस एनवायरनमेंट में था ना, उससे बाहर आके एक नया एनवायरनमेंट में आया है, तो उसे तो मैच करना ही होगा। फिर टेम्परेचर एक उस मतलब पहले में जहाँ पे रहता था वहाँ पर डिफरेंट है, आपका घर में डिफरेंट है, आपका घर सपोज ठंडा है वह गर्म है, तो थोड़ा मेंटेन करना होगा, इसलिए 3 घंटा खाना नहीं देना होगा, क्योंकि वो थोड़ा स्ट्रेस में रहेगा। ये सब मेंटेन करने के बाद आप दे सकते हैं। सेकेंड जो पॉइंट है ना, ये मतलब आपका आपको पहले डॉग अगर खरीदे तो आपको ओनर से पहले पूछ लेना होगा कि पहले ओनर क्या खाना देते थे, उसको क्या खिलाते थे। अगर आप स्ट्रीट डॉग पालते हैं तो स्ट्रीट डॉग मतलब स्ट्रीट में तो खाना खाता ही होगा किसी से, तो लोग क्या देता था, मतलब राइस या फिर रोटी जो देता था वही आपको देना होगा। नहीं तो अचानक से अगर फूड बदल देंगे ना, तो उसको वॉमिटिंग होना स्टार्ट हो सकता है या फिर डायरिया हो सकता है, ऐसे बीमारी हो सकती है। इसीलिए डायरेक्टली फूड नहीं बदलना है, क्योंकि वो एक बच्चा है अभी, इसीलिए जो फूड पहले देना था वही देना होगा। थर्ड जो पॉइंट है, आपको मिल्क नहीं देना होगा, उसे मिल्क पीने को एकदम भी नहीं देना होगा। अगर आप डॉग खरीदे तो आप अगर ओनर पहले देता था तो आपको आस्ते आस्ते स्टॉप कर देना है कैसे भी करके, पर मिल्क नहीं देना है, क्योंकि मिल्क देने से डायरिया होने का चांस मैक्सिमम हो जाएगा आपका डॉग को, इसीलिए मिल्क नहीं देना। अगर स्ट्रीट डॉग को भी आप लोग दे रहे हैं ना खाना, तो मिल्क कभी मत देना। नंबर फोर्थ जो पॉइंट है, नो बाथ फॉर 3 मंथ्स, मतलब एक डॉग लाने के बाद उसे 3 महीना नहलाना ही नहीं है, उसे बात ही नहीं करवाना है, क्योंकि वो एक छोटा बच्चा है, अगर पानी ठंडा होगा ना उसे ठंडा लग सकता है, निमोनिया जैसा बीमारी हो सकता है, उसका डेथ भी हो सकता है उस केस में। अगर आपको लगता है कि मतलब शरीर से बदबू आ रहा है या टिक्स हुआ है, तो आप ड्राई शैम्पू यूज़ कीजिए, मार्केट में अवेलेबल है, आप देख सकते हैं ड्राई शैम्पू ज़्यादा दाम भी नहीं है, आप यूज़ कर सकते हैं, उससे आप टिक्स को हटा सकते हैं या फिर उसका बदबू जो आता है वो भी दूर कर सकते हैं। फिफ्थ जो पॉइंट है, आप डॉग लाने के बाद मतलब आप नहीं सब लोग बहुत ही खुश हो जाता है, मेरा घर में एक डॉग आया, मेरा नया मेंबर आया, तो आपको एक रात नींद ही नहीं आएगा, आपका डॉग के साथ ही खेलते रहेंगे आप। तो एक छोटा बच्चा है ना, तो बाई चांस तो मतलब आप अगर सोए तो कहीं चला जा सकता है, कहीं छुप सकता है, आप अगर मतलब उसे ढूंढने गए बाई चांस आपके आस पास होगा ना, और घर में लाइट नहीं जला है सपोज, तो आप उसमें पैर रख सकते हैं, उसका पैर भी टूट सकता है, ऐसा कोई रिस्क तो होगा ही। तो आपको क्या करना है, डॉग खरीदने के बाद एक हल्का सा बेल्ट, मतलब उसका गला पे उतना टाइट से नहीं लगा रहेगा, एकदम पूरा ढीला रहेगा, एक बेल भी लाना है बेल्ट के साथ बेल, ताकि वो अगर कहीं पे जाए, अगर आसपास में रहे आपका, थोड़ा बेल का आवाज से आप अलर्ट हो जाए, तो उसको मतलब चोट लगने का रिस्क कम हो जाएगा। सिक्स जो पॉइंट है ना, आपको टाइम टू टाइम उसका डीवॉर्मिंग करवाना होगा। आप अगर डॉग खरीदते हैं तो ओनर से पूछ लीजिए लास्ट कब करवाए, तो टाइम टू टाइम आप कराना होगा आपको डीवॉर्मिंग। स्ट्रीट डॉग पालेंगे तब पर भी आपको कराना होगा। मैं एक डीवॉर्मिंग लेके सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, कुछ दिन में वो वीडियो आएगा। आप अगर आपको नहीं पता डीवॉर्मिंग क्या होता है, क्या चीज होता है, कब करना है, तो उस वीडियो में आप देख सकते हैं, कुछ दिन में मैं बनाऊंगा सेपरेट वीडियो। तो आपको टाइम टू टाइम डीवॉर्मिंग करवाना होगा, नहीं तो आपका घर का लोग को भी एक बीमारी होने का चांस है डीवॉर्मिंग अगर नहीं करवाए। सेवन जो लास्ट पॉइंट है, जो सबसे बड़ा मिस्टेक करते हैं हम लोग, कि उन लोग को फ्रिज का खाना देते हैं, ये गलती कभी मत कीजिएगा। फ्रिज का खाना उन लोग को मत दीजिए। आप अगर उन लोग को खाना मतलब सुबह को किए, शाम तक, शाम को फिर देना चाहते हो वही वाला खाना, तो आप बाहर रख दीजिए, पर फ्रिज में मत घुसाए उन लोग का खाना, क्योंकि फ्रिज का खाना खा के उन लोग बीमार भी पड़ सकते हैं, डेथ भी हो सकता है सर्टेन केस। सो आप लोग को फ्रिज का खाना कभी नहीं देना है। आप बाहर रखिए, अगर वैसा भी हो आपको लगता है कि खाना नष्ट हो जाएगा, तो सुबह का खाना सुबह बनाइए, शाम का खाना शाम बनाइए, पर फ्रिज का खाना कभी मत एक डॉग को दीजिए।
तो ये था कुछ पॉइंट्स, ये जो मिस्टेक्स हम लोग करते हैं, इवन मैं भी पहले पहले करता था उसको मिल्क दे के, तो ये मिस्टेक है, तो आप ये देख सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।